नमस्कार, पूनम की आवाज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे घर जमाई की दिल छू लेने वाली कहानी। हरिधन जब 16 साल का था तब उसका विवाह हो चुका था और अचानक ही उसकी माँ का देहांत हो गया। माँ के मरते ही उसे मालूम हुआ कि वह कितना असहाय है। बहनों के विवाह हो चुके थे, कोई और दूसरा भाई था नहीं। बेचारा घर में जाने से ही डरने लगा, माँ के लिए रोता रहता। जिस कोठरी में माँ ने देह त्याग किया था उधर आंख तक ना उठाकर देखता। घर में एक बुआ थी, वो हरिधन को बहुत ही प्यार करती थी। बार बार पूछती, बेटा कुछ खाओगे? अब उसे घर में पहले से ज्यादा प्यार मिलता। पीने को ज्यादा दूध मिलता, खर्च करने के लिए पैसे भी मिलते थे, परंतु इन सब से वो घाव पूरा ना होता जो उसकी माँ की मृत्यु से लगा था। ये प्यार दुलार बार बार माँ की याद दिलाता, माँ की घुड़कियों में जो मजा था वो इस दुलार में कहाँ? साल भर वो इसी दशा में रहा। फिर उसकी दुनिया बदल गई, उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। एक नई स्त्री जिसे सब माता कहते थे, वो देखते ही देखते काली घटा की तरह उसके घर में आई और उसके भूमंडल पर छा गई। सारी हरियाली, सारे प्रकाश पर अंधकार का पर्दा पड़ गया। हरिधन ने इस माँ से एक बार भी बात ना की, कभी उसके पास तक नहीं गया। एक दिन घर से निकला और अपने ससुराल पहुँच गया। बाप ने बार बार बुलाया, पर बाप के जीते जी वो उस घर में ना गया। जिस दिन पिता के देहांत की सूचना मिली तो हरिधन को एक प्रकार का ईर्ष्या में हर्ष हुआ। उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद तक ना आई। अपने ससुराल पहुंचकर हरिधन को मानो एक नया संसार मिल गया हो। उसकी सास ने मानो किसी वरदान की तरह उसके सूखे जीवन में हरियाली कर दी। एक बार फिर से उसे सास के रूप में अपनी माँ का प्यार मिला। उसके सालों की चुहल में, सास के स्नेह में और सालियों के मजाक में तथा पत्नी के प्रेम में उसके जीवन की सारी आकांक्षाएं पूरी कर दी। सास कहती, बेटा तुम इस घर को अपना ही घर समझो, तुम ही मेरी आँखों के तारे हो। हरिधन से अपनी बहुओं और बेटों की शिकायत करती। हरिधन दिल में ये समझता कि उसकी सासू माँ उसे बेटों से भी ज्यादा चाहती है। हरिधन अपने पिता के मरते ही घर गया और अपने हिस्से की जायदाद को बेचकर रुपयों की थैली लेकर फिर से ससुराल वापस आ गया। अब तो उसका दुगना सत्कार होने लगा। अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों में अर्पण करके अपने जीवन को सार्थक कर लिया। पहले तो उसे कभी कभी घर की याद आ भी जाती थी, परंतु अब भूलकर भी नहीं आती थी। हरिधन सबसे पहले उठता, सबसे ज्यादा काम करता। उसकी मेहनत देखकर गांव के लोग दांतों तले उंगली दबाते थे और उसके ससुर के भाग्य की तारीफ करते थे कि ऐसा होनहार दामाद कहाँ मिलता है। लेकिन ज्यों ज्यों दिन गुजरते गए उसका मान सम्मान घटता गया। पहले वो देवता था, फिर घर का आदमी बना और अंत में घर का दास हो गया। उसका अपमान भी होने लगा। अब तो 10 साल बीत चुके थे और उसकी उम्र 25 की हो चुकी थी। हरिधन जेठ की दोपहरी में ऊँख में पानी देकर आया और बाहर बैठा रहा। घर में से धुआं उठता नजर आ रहा था, छन छन की आवाज भी आ रही थी। उसके दोनों साले उसके बाद आए और घर में चले गए, पर हरिधन अंदर ना जा सका। इधर एक महीने से उसके साथ यही वर्ताव जो हो रहा था। विशेषकर कल उसे जैसी फटकार सुननी पड़ी थी, वो उसके पाँव में बेड़ियां सी डाले हुए थी। कल उसकी सास ने ही तो कहा था कि मेरा जी तुमसे भर गया है, मैं तुम्हारी जिंदगी का ठेका लिए बैठी हूँ क्या?
और सबसे बढ़कर उसकी अपनी पत्नी के व्यवहार ने उसके हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। वो बैठी यह फटकार सुनती रही, एक बार भी उसके मुंह से ना निकला, अम्मा तुम इनका अपमान क्यों कर रही हो। वो बैठी बैठी बस गटगट सुनती रही, शायद वो हरिधन की दुर्गति पर खुश हो रही थी। अब वो इस घर में कैसे जाए, क्या फिर से गालियाँ खाने के लिए, वही फटकार सुनने के लिए, और आज इस घर में जीवन के 10 साल गुजारने के बाद उसका ये हाल हो रहा है। तभी उसकी पत्नी घर से बाहर आई और बोली, जरा कुएं से पानी भर कर ला दो, घर में एक बूंद पानी नहीं है। हरिधन ने घड़ा लिया और कुएं से पानी भर कर लाया। उसे जोर से भूख लगी थी, वो समझा कि अब खाने के लिए बुलाएगी। मगर पत्नी घड़ा लेकर अंदर चली गई और उसने कुछ नहीं कहा। हरिधन थका मांधा सुधा से व्याकुल वहीं पर पड़ा रहा। तभी उसकी पत्नी गुमानी ने उसे फिर से जगाया। निधन ने कहा, क्या बात है, पानी तो दे दिया तुम्हें, और क्या चाहिए। गुमानी कटो स्वर में बोली, गुर्राते क्यों हो। खाने के लिए बुलाने आई हूँ। हरिधन ने देखा कि उसके दोनों साले अब भोजन करके बाहर निकल रहे थे। उसके तन मन में आग लग गई, मेरी अब यह नौबत आ गई कि इन लोगों के साथ बैठकर खा भी नहीं सकता। मैं इनकी जूठी थाली चाटने वाला हूँ, इनका कुत्ता हूँ क्या मैं, जिसे खाने के बाद रोटी का टुकड़ा डाल दिया जाता है। यही घर है जहाँ आज से 10 साल पहले मेरा कितना आदर सत्कार होता था। सारे मेरे गुलाम बनकर रहते थे, सास मुंह जोतती रहती थी और स्त्री पूजा करती थी। तब मेरे पास रुपए थे, अब मैं दरिद्र हूँ और सारी जायदाद इन्हीं लोगों पर कूड़ा कर दी। वो बोला, मुझे भूख नहीं है, आज ना खाऊंगा। गुमानी ने कहा, ना खाओगे तो मेरी बला से, हाँ नहीं तो खाओगे तो तुम्हारे पेट में ही जाएगा। मेरे पेट में थोड़ी नह जाएगा। हरिधन का क्रोध आंसू बन गया। वो सोचने लगा, यह मेरी स्त्री है जिसके लिए मैंने सर्वस्त्र मिट्टी में मिला दिया, मुझे उल्लू बनाकर ये सब मुझे निकाल देना चाहते हैं। वो अब कहाँ जाए और क्या कहे। उसकी सास आकर बोली, चलकर खा क्यों नहीं लेते जी, रूठते किस पर हो। यहाँ तुम्हारे नखरे सहने का किसी के पास समय नहीं है, जो देते हो वो खा लो और क्या करोगे। तुमसे बेटी ब्याही है, कुछ तुम्हारी जिंदगी का ठेका नहीं लिया। हरिधन दुखी होकर बोला, हाँ अम्मा मेरी भूल थी कि मैं यही समझ रहा था, अब मेरे पास क्या है कि तुम मेरी जिंदगी का ठेका लोगी। जब मेरे पास धन था तब सब कुछ आता था, अब दरिद्र हूँ तो तुम क्यों पूछोगी। बूढ़ी सास भी मुंह फुलाकर भीतर चली गई। हरिधन तो उधर भूखा प्यासा चिंता दाह में जल रहा था। इधर घर में सास जी और दोनों सालों में बातें हो रही थी, गुमानी भी थी। गुमानी भी उनकी हाँ में हाँ मिलाती जाती थी। साले ने कहा, हम लोगों की बराबरी करते हैं। यह नहीं समझते कि किसी ने जिंदगी भर का ठेका नहीं ले रखा उनका। 10 साल हो गए, इतने में क्यों 2-3 हजार ना हड़प हो गए होंगे। छोटे साले ने कहा, मजूर हो तो आदमी घुड़के भी डांटे भी, अब इनसे कोई क्या कहे। ना जाने इनसे कब पिंड छूटेगा। गुमानी भी अपने घर वालों की बातें सुनकर अपने पति से द्वेष करने लगी थी। वो सोचती कि अगर उसका पति भी 4 पैसे लाता तो घर में उसका भी कितना मान सम्मान होता। वो रानी बनकर रहती, हरिधन बाहर पड़ा पड़ा अंदर से सुलग रहा था। दोनों साले बाहर आए और बड़े साले साहब बोले, भैया उठो, तीसरा पहर ढल गया है, कब तक सोते रहोगे, सारा खेत पड़ा है। हरिधन चट से उठ बैठा
और तीव्र स्वर में बोला, क्या तुम लोगों ने मुझे उल्लू समझ लिया है? दोनों साले हक्के बक्के हो गए। जिस आदमी ने कभी जबान नहीं खोली थी, गुलामों की तरह हाथ बांधे हमेशा हाजिर रहता था, वो अचानक इतना अभिमानी कैसे हो गया? यह उनको चौंका देने के लिए काफी था। हरिधन ने देखा इन दोनों के कदम उखड़ गए हैं, तो वो उसी ढंग से बोला, मेरी भी आंखें हैं, अंधा नहीं हूँ और न ही बहरा हूँ। छाती फाड़कर काम करूँ, उस पर भी कुत्ता समझा जाऊँ? ऐसे गधे कहीं और होंगे। बड़े साले भी गर्म हो गए। तुम्हें किसी ने यहाँ पर बांध कर तो नहीं रखा? अब हरिधन लाजवाब हो चुका था, उसे कोई बात ना सूझी। तब हरिधन आंखें निकाल कर कहने लगा, क्या मैं तुम लोगों से कम काम करता हूँ? बड़े ने कहा, ये कौन कहता है? हरिधन ने कहा, तो तुम्हारे घर की यही नीति है, जो सबसे ज्यादा काम करे वही भूखा मर जाए। तुम खुद खाने नहीं आए, क्या कोई तुम्हारे मुंह में रोटी का टुकड़ा डाल देगा? हरिधन ने होठ चबाकर कहा, मैं खुद खाने नहीं गया। ये कहते हुए, तुम्हें लाज नहीं आती? नहीं आई थी बहन तुम्हें बुलाने? हरिधन की आंखों में खून उतर आया, वो दांत पीसता रह गया। तभी सास भी भीतर से लपकी चली आई और बोली, कितना कहकर हार गई, अब कोई ना उठे तो मैं क्या करूं? हरिधन ने विष, खून और आग से भरे हुए स्वर में कहा, मैं तुम्हारे लड़कों का झूठा खाने के लिए हूँ? मैं कुत्ता हूँ कि तुम लोग खाकर मेरे सामने रोटी का टुकड़ा फेंक दो? बुढ़िया ने ऐठ कर कहा, तो क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? अब हरिधन परास्त हो गया। बुढ़िया के एक वाक्य ने उसका सारा काम तमाम कर दिया। उसकी तनी हुई बोएं ढीली पड़ गई, आँखों की आग बुझ गई, फड़कते हुए नथुने शांत हो गए। उसके कानों में बस एक ही वाक्य गूंज रहा था, क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? और यह शब्द उसके हृदय में चुभते चले गए। ऐसा दर्द हुआ जिसका कोई अंत ही नहीं था। सारे घर ने खाना खाया, हरिधन ना उठा। सास ने मनाया, सालियों ने मनाया, ससुर ने मनाया, दोनों साले मनाकर हार गए, पर हरिधन नहीं उठा। वो द्वार पर एक टाट पर ही पड़ा रहा। रात हो चुकी थी और आकाश में तारे बालकों की बात क्रीड़ा करते हुए नाचने लगे थे। अब हरिधन को अपने बचपन की यादें आने लगी, वो छोटा सा घर, आम का बगीचा, कबड्डी का मैदान, सब उसे याद आने लगा। उसकी आँखों के सामने उसकी माँ उसे नजर आने लगी। उसे ऐसा लगा मानो उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेर रही हो, वो फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसने देखा कि उसकी पत्नी गुमानी उसके सामने खड़ी थी। कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे? हरिधन उठ बैठा, भला तुम्हें मेरी कोई सुध है? मैंने कह दिया था ना कि मुझे भूख नहीं है, तो कितने दिनों तक ना खाओगे? अब इस घर का पानी भी ना पीऊंगा, तुझे मेरे साथ चलना है या नहीं? दृढ़ संकल्प से भरे हुए शब्दों को सुनकर गुमानी सहम उठी, बोली, कहाँ जा रहे हो? तू मेरे साथ चलेगी या नहीं? जब तक बता ना दोगे मैं नहीं जाऊंगी। तो मालूम हो गया तू नहीं जाना चाहती। हरिधन वहाँ से चला गया। इस मील की मंजिल हरिधन ने 5 घंटों में तय की। जब वो अपने गांव अमराइयों के सामने पहुँचा, तो उसकी मातृ भावना उषा की सुनहरी गोद में खेल रही थी। उन वृक्षों को देखकर उसका हृदय नाचने लगा। मंदिर का सुनहरा कलश देखकर वो उस तरफ दौड़ा, मानो एक छलांग लगाकर उसके ऊपर जा पहुँचेगा। वो बहुत वेग से दौड़ रहा था, मानो उसकी माता गोद फैलाए उसे बुला रही थी। जब वो आमों के बाग में पहुँचा, जहाँ डालियों में बैठकर वो हाथी की सवारी का आनंद लेता था,
देखते ही देखते वो एक आम के पेड़ पर चढ़ गया। तभी बागों के रखवाले ने उसे पुकारा, कौन ऊपर चढ़ा है रे? उत्तर अभी नहीं दिया तो ऐसा पत्थर खींच कर मारूंगा कि ठंडे हो जाओगे। उसने कई गालियां भी दी इस फटकार, और इन गालियों में हरिधन को एक अलौकिक आनंद मिल रहा था। वो ठट्ठा मारकर हंसने लगा, ऐसी उल्लास से भरी हुई हंसी उसने बहुत दिनों से हंसी ना थी। रखवाले को ये हंसी कुछ परिचित सी मालूम हुई, मगर हरिधन यहाँ कहाँ, वो तो ससुराल की रोटियाँ तोड़ रहा है। कैसा हसोड़ा था, कितना चुलबुला था, ना जाने बेचारे का क्या हाल हुआ होगा। पेड़ की डाल से तालाब में कूद पड़ता था। अब गांव में ऐसा कौन है, रखवाला बोला, वहां से बैठे बैठे हंसोगे तो आकर सारी हंसी निकाल दूंगा। नहीं तो सीधे नीचे उतर आओ, वो गालियां देते जा रहा था। तभी आम की एक गुटली आकर उसके सिर पर लगी। वो सिर सहलाता हुआ बोला, ये कौन शैतान है, नहीं मानता, ठहर तो मैं आकर अभी तेरी खबर लेता हूँ। उसने नीचे रखी एक लकड़ी उठाई और बंदरों की तरह चटपट ऊपर चढ़ गया। देखा तो हरिधन बैठा मुस्कुरा रहा था। वो चकित होकर बोला, अरे हरिधन, तुम यहाँ पर कब आए और इस पेड़ पर क्यों बैठे हो? दोनों बचपन के सखा वहीं पर गले मिल लिए और फिर नीचे उतरा, यहाँ कब आए, चलो घर चलो। भले आदमी, क्या वहाँ आम भी मयस्सर ना होते थे? हरिधर ने मुस्कुराकर कहा, मंगरू, इन आमों में जो स्वाद है वो कहीं और के आमों में नहीं है। गांव का क्या रंग ढंग है, सब बेचैन है भैया, तुमने तो नाता तोड़ ही लिया था। इस तरह से कोई अपना गांव छोड़कर जाता है? जब से तुम्हारे दादा मरे सारी गृहस्थी चौपट हो गई है। दो छोटे छोटे लड़के हैं, उनके लिए क्या होता है, अब उस गरिती से मेरा क्या वास्ता है भाई। मैं तो अपना ले दे चुका, मजूरी तो मिलेगी ना, तुम्हारी गाय ही चरा दिया करूँगा। मुझे खाने को दे दोगे? मगरू ने अविश्वास के भाव से कहा, अरे भैया कैसी बातें करते हो, तुम्हारे लिए जान हाजिर है, क्या अब ससुराल में नहीं होगे? कोई चिंता नहीं, पहले तो तुम्हारा घर ही है, उसे संभालो, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालो, तुम नई अम्मा से ना से डरते थे। वो बड़ी ही सीधी है बेचारी, बस अपनी माँ समझो उसे, तुम्हें पाकर वो निहाल हो जाएगी। अच्छा, घरवाली को भी लाओगे? उसका मुंह अब ना देखूंगा, मेरे लिए तो वह मर गई, तो दूसरी सगाई हो जाएगी, अब की ऐसी मेहरारू लाओगे जो पैर धोकर पिएगी। लेकिन कहीं पहली भी आ गई तो? ना ना, वो ना आएगी। हरिधन अपने घर पहुंचा तो दोनों भाई चिल्ला उठे, भैया आ गए, भैया आ गए। वो भीतर दौड़ गए और अपनी माँ को खबर दी। उस घर में कदम रखते ही हरिधन को मानो शांति का एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा मानो वो अपनी माँ की गोद में बैठा हो। इतने दिनों ठोकरें खाने के बाद उसका हृदय कोमल हो गया था। जहाँ पहले अभिमान था, आग्रह था, हेकड़ी थी, वहाँ अब निराशा थी, पराजय और याचना थी। हरिधन ने मात्र विहोल आँखों से अपनी विमाता के रूप में अपनी के दर्शन किए, घर के एक कोने कोने में मात्र स्मृतियों की छटा चांदनी की भांति छिटकी हुई थी। विमाता का प्रौढ़ मुखमंडल भी उसी छटा से रंजित था। विमाता ने कहा, बेटा तुम घर आ गई, हमारे धन्य भाग, अब इन बच्चों को तुम ही पालो, माँ का नाता ना सही, बाप का नाता तो है, मुझे एक रोटी दे देना, खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी। तुम्हारी अम्मा से मेरी बहन का नाता है, उस नाते से तुम भी मेरे बेटे ही हो। हरिधन ने मात्र विहोल आँखों से विमाता के रूप में अपनी माता के दर्शन किए।
घर के एक कोने कोने में मात्र स्मृतियों की छटा चांदनी की भांति छिटकी हुई थी। विमाता का इतना प्यार देखकर उसका हृदय द्रवित हो उठा। उसे अब अपनी विमाता में भी माता के दर्शन होने लगे। दूसरे दिन हरिधन फिर से कंधे पर हल रखकर खेत की ओर चला। उसके मुख पर उल्लास था, आंखों में गर्व थी। अब वह किसी पर आश्रित नहीं था, आश्रयदाता था, किसी के द्वार का भिक्षुक नहीं बल्कि घर का रक्षक था। एक दिन उसने सुना कि गुमानी ने दूसरा घर कर लिया है। माँ से बोला, तुमने सुना काकी, गुमानी ने घर कर लिया? काकी ने कहा, घर कर लेगी, ठट्ठा है, बिरादरी में ऐसा अंधेर, पंचायत नहीं, अदालत तो है। हरिधन ने कहा, नहीं नहीं काकी, बहुत अच्छा हुआ, महावीर जी को लड्डू चढ़ाऊंगा। मैं तो डर रहा था कि कहीं फिर से मेरे गले ना आ पड़े। भगवान ने मेरी सुन ली, मैं वहाँ से यही ठान कर चला था कि अब उसका मुंह ना देखूंगा। अब हरिधन अपने इसी पुराने घर में रहने लगा जहाँ पर उसने अपना सारा जीवन बिताया था। वो अब उन दोनों छोटे बच्चों का पालन पोषण करता। अब उसका मन बिल्कुल शांत था। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।